Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र. अच्छा जी, आज था वीकेंड तो मैंने कहा चलो आज भी हम बाहर निकलते हैं. आज सैटरडे है तो थोड़ा बाहर जाके ब्लॉग बनाती हूँ. जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि जब जब फ्री हुआ करूंगी, कोशिश करूंगी कि ब्लॉगिंग करूँ. यहाँ पर लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा. जो यहाँ रहते हैं ना वही इस पेन को समझ सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ बहुत बिजी है. पाकिस्तान में लाइफ बड़ी सुकून की, बड़ी ऐयाशी वाली जिंदगी है, यहाँ पर जिंदगी बहुत बिजी है. तो थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसी बिजी लाइफ में खुश है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. तो मैंने यही सोचा कि मैंने व्लॉगिंग को अपने कंटिन्यू रखना है, चाहे मैं जितना मर्जी बिजी क्यों ना हूँ, मैं अपने व्लॉग्स बनाऊंगी. और मैंने यही माइंड बनाया हुआ कि वीकेंड के वीकेंड तो मैं जरूर बनाया करूंगी. तो जैसे कि आज वीकेंड है, मैं अपनी दोस्त के साथ, अपनी प्यारी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हूँ व्लॉग बनाने, जबकि मैं उसी के मोबाइल में व्लॉग बना रही हूँ. मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है. मैंने कहा मुझे तो व्लॉग बनाना है, तुम अपना सेल दे दो. तो अभी उसी के मोबाइल में मैं व्लॉग बना रही हूँ. चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. अभी हम लोग टाउन की तरफ आए हैं. मैंने पहले वाली वीडियो में आपको टाउन दिखाया था. तो फिलहाल अभी तो हमें कुछ खास लेना नहीं है, मुझे बस वीडियो बनानी थी, थोड़ा सा आप लोग को दिखाना था. अभी ये देखिए ब्रिज है, अभी ये पीछे, अभी हम इसके ऊपर चलते जा रहे हैं. अभी ऊपर जाके आपको पूरा दिखाऊंगी व्यू, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा व्यू. तो अभी फिलहाल चल रहे हैं, मेरा थोड़ा सा सांस फूल गया, तो थोड़ी यहाँ वीडियो रोकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा जी, हम लोग ब्रिज के ऊपर आ गए हैं. मैंने कहा चले मैं ऊपर से आपको पहले सारा व्यू दिखाती हूँ. ये देखिए ये पूरा, ये प्रेस्टन सिटी है. पूरी तो नहीं है फिलहाल, जितनी आपको नजर आ रही है उतनी है. पीछे सारी बिल्डिंग्स है और ये ब्रिज है. मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे नहीं, मेरे दोस्त को भी हाइट से बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, उसके बाद हम नीचे जाते हैं. थोड़ा सा आपको बैक कैमरा करके नीचे से भी दिखाती हूँ. ये है, ये हम ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं. ये इतनी हाइट है इसकी ब्रिज की, बहुत डर लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा आगे नहीं हो रही हूँ. यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, ये सारा प्रेस्टन है, ठीक है. ये सामने बी एंड एम है, ये सामने वही बस स्टेशन. अब हम जा रहे हैं नीचे वाली साइड पे, वो उधर हम पहले खड़े थे, फिर मैंने आपको सारा नीचे से दिखाया. बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और मेरे हाथ बिल्कुल जम चुके हैं, लेकिन देख मैं आप जा रहे हैं. हमने अभी इस बस स्टेशन की बैक साइड पे जाना है. हम लोग जा रहे हैं किंग ऑफ डेजर्ट कुछ मीठा खाने, क्योंकि अभी हमें थोड़ा खाना खाने का मूड नहीं है. मैंने काफी टाइम से यहाँ पर मीठा नहीं ट्राई किया, बाकी पिज्जा वगैरह यहाँ के तकरीबन फूड तो मैंने ट्राई कर लिया है, लेकिन मैंने अभी कुछ डेजर्ट नहीं ट्राई किया. तो मैंने कहा चलो आज डेजर्ट ट्राई करते हैं, खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं हमने क्या खाया. ये देखिए ये बस स्टेशन है, ये ऊपर सारी बिल्डिंग है. अभी हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. अब देखिए वो सामने सूरज. उस दिन मैंने आप लोगों को बस स्टेशन थोड़ा दूर से दिखाया था, आज थोड़ा सा अंदर से जा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं. ये देखें ये बस स्टेशन है. अच्छा, ये पूरा पैक साइड पे, ठीक है. वो वहां से बसेस चल रही हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था. अच्छा, हम अब सब कहेंगे पहले भी वीडियो यहीं की बनाई, अब भी यहीं की बना ली, अब जो जगह जहां जाने वाली होगी, जो करीब होगी वही जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो चलकर ही जाना पड़ता है. तो अभी तो चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए नए आए हैं. पाकिस्तानी लोगों के लिए चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में आदत नहीं होती इतनी चलने की. यहाँ आके चलना अब थोड़ी सी आदत हो गई, क्योंकि 1 मंथ हो गया जॉब पे जाते हुए और थोड़ा सा घूमते फिरते हुए, इसलिए थोड़ी आदत हो गई है चलने की. अच्छा, चल लेते हैं. अच्छा जी, ये प्रेस्टन की है लोकल मार्केट, जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है ये उस तरीके की मार्केट है, जो कभी क्लोज हो चुकी है. 5 बजे ये बंद हो जाती है. मैं थोड़ा सा बैक से आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर सब चीजें मिलती हैं लोकल मार्केट, मतलब चीप प्राइजेस में. ये सारी है लोकल मार्केट की, कितनी प्यारी है, देखो लाइट्स कितनी प्यारी लगी हुई है. अब जबकि बंद हो गई उसके बाद भी इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाती है. हमेशा मैं गलत टाइम पे आती हूँ, जब भी आती हूँ तो पूरा टाउन बंद हो चुका होता है. तो बस इंशाल्लाह कभी ओपन होगा तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को. ओके, तो फाइनली हम किंग ऑफ डेजर्ट पहुंच चुके हैं. अच्छा, तो ये सारा व्यू है, आपको दिखाती हूँ. ये डोनर से मेरी दोस्त सोच रही है फ्राइज लेने का, लेंगे क्योंकि भूख लगी है. सुबह से निकले हुए घर से और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बस फिर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, वेदर इंजॉय कर रहे हैं. ओके, तो फाइनली बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने कहा इससे पहले कि हम लोग बेहोश हो जाए तो जल्दी से हम अंदर जाते हैं. फिर मैंने अंदर जाते सबसे पहले व्यू की वीडियो बनाई, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ अंदर से था कैसा. तो ये है कासपास, वो है हमारा डोनर जहाँ पे हमने ऑर्डर दिया. अब हम जा रहे हैं डेजर्ट पे ऑर्डर देने, पिंक गर्ल्स फेवरेट कलर. अभी अंदर जाते हैं, अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ.
अच्छा जी, दरवाज़ा खुलते ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं पता नहीं किसी मूवी के अंदर चली गई हूँ। लाइक इतना प्यारा था सब कुछ, पिंक कलर का इतना प्यारा था, मतलब इतना अट्रैक्ट कर रहा था। रियल में भी, सिर्फ वीडियो में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, बट रियल में भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। लाइक हमने यहाँ से भी डेजर्ट ट्राई किया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, मेरे फ्रेंड के कहने पर बहुत अच्छा था। ओके, तो ये हमने डोनर से लिया था, और इस पहले हमने ये खाया, फिर उसके बाद ये डेजर्ट हमने यहीं आस पास से लिया था, जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखा रहा। अभी बस हमने खाना खा लिया अपना, अब हम लोग बस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है हमें खाना खाते खाते। मैं आपको खाना भी दिखा देती हूँ, हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया, डेजर्ट हमसे बिल्कुल नहीं खाया गया, क्योंकि हमने जो दूसरे डोनर से ली थी चीज़ें, उस चीज़ से हमारा पेट फुल हो गया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या खाया और क्या बचाया। ये तो बिल्कुल ही नज़र आ रहा है, पहले फिनिश हो चुका है, ये हमने खा लिया था, ये हमसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया। तो अभी हम बस इसको पैक करवा के अपना हम घर जा रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा दिखा देती हूँ, ये है किंग ऑफ डेजर्ट, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी ये वाली जगह। बस अब हम जाने लगे हैं वापस, मैं इनका जाते जाते थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो रास्ते में जाते जाते हमें एक बबल टी दिख गई, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। हम जिस जगह गए थे बिल्कुल न्यू थी, और यहाँ पर खाने की इतनी सारी जगहें थी। मेरी फ्रेंड तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रहती है, तो वो लेकर गई थी इस एरिया में डोनर और यहाँ पे आस पास, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब व्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो सबकी वीडियो बनाऊँगी। ये बहुत प्यारा था, मतलब इधर हर चीज़ चाइनीज़ की रखी हुई थी एवरीथिंग, और इतनी क्यूट थी, बहुत प्यारा बना हुआ था, छोटा सा था बट हर चीज़ बहुत प्यारी थी। और इनकी बबल टी भी बहुत अच्छी थी, मैंने ट्राई की थी चॉकलेट में, इससे पहले भी मैंने ट्राई की है बट वो चॉकलेट में नहीं थी। और ये लोगों ने लिखकर ना छोटे छोटे पेजेस पे अपने व्यूज लगाए हुए थे इस पर, बहुत प्यारा था ये, लाइक बहुत ज़्यादा प्यारी जगह थी। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दोपहर में भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट अभी उससे भी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, मतलब कि बिल्कुल हाथ ऐसे फ्रीज हो गए हैं। तो अभी तो सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं कि अभी ये स्टार्टिंग है, मतलब अभी 10% हुई है, अभी तो आगे ठंड और आनी है। अब हमारे जैसे पाकिस्तानी जो अभी आए हैं उनको अच्छी तरह पता लगेगा ठंड क्या है यहाँ पर, लेकिन चले हम भी कभी यूज टू हो जाएंगे, फिर हमें भी इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी नहीं अभी। मतलब कि मैं बताती हूँ आपको, मैं जब मैनचेस्टर गई थी ना, वहाँ पर क्या था कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा रौनक थी, बट हम जिस सिटी में, प्रेस्टन में, यहाँ पर 5 बजे के बाद तो स्टोर इधर तो टाउन में तो सब कुछ ही बंद हो जाता है, लाइक सारे ब्रांड, ओके, एशियन स्टोर या कोई भी ग्रॉसरी स्टोर टाइप वो ओपन होगा, लेकिन सब जो भी ब्रांड होंगे बंद हो जाएंगे। बट जब मैं मैनचेस्टर गई थी तो वहाँ पर ट्रैफर्ड सेंटर है, वहाँ पर सब कुछ ओपन था, इतनी रौनक थी उस जगह पे, जैसे पाकिस्तान में आप कराची बोल लें कि कराची में रात को ऐसे समझते हैं दिन, ऐसे मैनचेस्टर और लंदन यहाँ पे है, लेकिन प्रेस्टन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है बंद हो जाते हैं स्टोर वगैरह, बट ये देखें खाने की थोड़ी सी जगहें और थोड़े से ग्रॉसरी स्टोर टाइप ये ओपन होते हैं, बाकी तकरीबन चीज़ें जो यहाँ पर बंद हो जाती हैं। तो अभी हम चलते जा रहे हैं क्योंकि हमें घर भी जल्दी पहुंचना है, थोड़ा सा टाइम हो गया, लेकिन बस जाएंगे जाएंगे और पहुंचेंगे, और आपको भी थोड़ा थोड़ा अभी बीच बीच में बोलती भी रहूंगी, दिखाती भी रहूंगी। अभी हमने जब वहां से बबल टी पी, वो पी के हम लोग निकले, मैं अपनी दोस्त पर बहुत भरोसा करते हुए कि ये तो जानती होगी कहाँ जाना है, और वो बोल रही है कि वो 2021 में आई थी इस जगह पे। अभी हम गुम हो चुके हैं, अभी पता नहीं है हम कहाँ पहुँचेंगे, पर इतना पता है कि घर तक पहुँचा देगी, ये ले लेकर जा रही है, उसको खुद भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, और हम बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, जब से आया तब से चल रहे हैं, और मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है इतना कुछ खा पी कर भी, और मुझे कि बस अब मैं जल्दी से घर चल जाऊँ, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो थोड़ी सी ख्वारी के बाद हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके थे। मेरी फ्रेंड के मोबाइल की भी बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने घर आके बस पिक्चर्स बनाई। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।